आप सबको स्वागत है। आज हम 4 जुलाई मतलब 4 जुलाई की ईश्वर वेदांत में आ पहुंचे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर सारी प्राप्तियां अगर हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है और खुशहाली दिखाई देती है। तो चेहरे पर चमक और खुशहाली का मतलब ही है कि चाहे दुनिया में, चाहे शरीर में अपने, चाहे धन संपत्ति में कुछ होना हो, तरक्की होना हो, लेकिन आपके आत्मा मन बुद्धि संस्कार में तरक्की हो रही है। तो आप डिटैचमेंट की तरफ इतना आगे बढ़ रहे हो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपकी खुशी, आपका चैन, आपकी शक्ति, आपकी शांति, आपका आनंद और ज्ञान आपका कभी भी खत्म ना हो। घर बिखर जाए, दुनिया बिखर जाए, लेकिन आपका सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान कभी ना बिखरे। तो ये है ताकत आध्यात्म की। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम आध्यात्मिक अपने आप को आत्मा अलग समझें और शरीर की बातों से उसको हम जोड़े ना। शरीर की प्राप्तियां, धन दौलत संपत्ति, साथी संबंधी, ये सब कुछ अलग हैं और हम आत्मा अलग हैं। तो देखें परमात्मा आज इस चीज को समझाते कैसे हैं। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक, संपन्न मतलब कंप्लीट, और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। संगम युग ऐसा समय जब कलयुग का अंत आ रहा हो तो कलयुग को तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा, सत्युग बनाना पड़ेगा, उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम को आना पड़ेगा धरती पर। तो परमात्मा जब धरती पर, निराकार परमात्मा धरती पर आते हैं और वो एक ही बार आते हैं, जब बाकी धर्म की आत्माएं आकर के धर्म स्थापन करके भी स्वर्ग नहीं बना पाती हैं, उल्टा और ही यहाँ पर नर्क बन जाता है। स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है लेकिन बाद में जाकर के धर्म आपस में लड़ने शुरू होते हैं। तो जब धर्म आत्मा भी फेल हो जाते हैं तो परमपिता परमात्मा को धरती पर आकर के स्वयं ब्रह्मा के द्वारा संगम युग क्रिएट करना पड़ता है, रचना पड़ता है। और वो 100 साल जो होता है, 100 साल का समय, उसमें आकर के उन्हें हमें विद्या देनी पड़ती है, क्योंकि 100 साल के बाद में कलयुग का अंत और सत्युग की आदि का समय आ जाता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा न्यूज में सुनने से। अंत की बातें हो रही है लेकिन आदि की बातें कोई नहीं कर रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके अलावा सब छोड़ करके। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। परमात्मा जो हमें मुरली में पॉइंट्स जो देते हैं, जो कि वरदानों के ऊपर जो हम सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे सारे चक्रस बैलेंस होने शुरू होते हैं। हमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे कि हम बैलेंस होने शुरू होते हैं। जैसे लोभ हमारा अगर खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर संतुष्टता आ जाती है। लोभ कब आता है? जब हम सोचते कि हम पोते नाते सोते धोते कि लेके हम क्या करेंगे, बहुत कुछ बना के जाएंगे। जब परमात्मा कहते हैं बच्चे समय कम है, 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 13 वर्ष रह गए हैं, तो पोते नाते की बात आई नहीं तो आप संतुष्ट मणि बन गए। आपने ज्यादा सोचना शुरू नहीं किया मैं ये बना लूँ, ये कर लूँ, वो खरीद लूँ, ये कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको मन को रेस्ट मिल जाता है, आप स्लो डाउन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सुख आना शुरू होता है, आप संतुष्ट होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप ना माने कि 13 साल बचे हैं और आप सोचे कि भैया अभी तो बहुत समय बचा है, क्या पता है कि नहीं ये होगा नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि चलनी शुरू हो जाएगी, ब्रेक नहीं लगेगी। ये सब एक उदाहरण है ज्ञान के पॉइंट्स को स्वीकार करना और ना स्वीकार करने में अंतर क्या होता है। फिर परमात्मा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। ये प्राप्तियां हुई है ज्ञान के द्वारा, हमें सुख शांति प्रेम आनंद की प्राप्तियां हुई है। जो जो पॉइंट्स परमात्मा ने बताए हुए हैं उनके द्वारा हमारे अंदर प्राप्तियां हुई हैं। हम अपने आप को प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, परमात्मा कहते हैं कि आप तो पूर्व जन्मों में देवी देवता रहे थे, तो हमारे अंदर वो क्या आता है, प्राइड आता है, हमारे अंदर वो गुरूर आता है, लेकिन पवित्र गुरूर आता है, वो अहंकार वाला नहीं। अच्छा मैं ही देवी देवता थी तो मेरे अंदर तो स्वीटनेस होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और ये कलयुग की दुनिया गई की गई और मैं सत्युग के महलों में गई की गई, तो वो खुशी आनी चाहिए, तो खुशी उससे भी बढ़ जाती है। लेकिन आज इंसान को क्या है, टेंशन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, कोई ले ना ले, कोई छीन ना ले, मेरी प्रमोशन कोई और ना ले ले, मेरी सीट कोई और ना ले ले, मेरी जॉब कोई और ना ले ले, मेरी जॉब ना चले जाए, आज ये चीजों की चिंताएं हैं लोगों को। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ तो थोड़े समय के लिए है, इसको भी तुम झेल लोगे मेरी शक्ति के द्वारा, लेकिन आगे आने वाला जो समय है सत्युग का, वो बहुत ही तुम्हारे लिए सुनहरा है। तो हमारे अंदर खुशी भी होती है, शांति भी होती है, पैनिक अटैक नहीं होता है, क्यों, क्या, कैसे नहीं होता, अगर हम पॉइंट्स को मानना शुरू करें जो परमात्मा हमें मुरली में सुनाते हैं। उदाहरण स्वरूप चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। तो ये जब हम सोच करते हैं, इन पॉइंट्स को हम स्वीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर चमक आनी शुरू होती है, वो फलक आनी शुरू होती है। लेकिन इसमें अगर हम डाउट करते हैं तो वो चेहरे पर चमक आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर आती है, फिर गायब हो जाती है, और उस कारण से हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, आज से कहीं
सालों पहले, 200 साल पहले जब राजा रानियों का राज्य होता था, तो जिसके बाद में अशर्फियाँ होती थी, सोने की धन दौलत होता था, प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर, वो ठाट बाट थे उसके चेहरे पर, चमक होती थी, खुशी होती थी, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, तो वो चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, वो तो धन की प्राप्ति की वजह से इतनी चमक राजाओं के चेहरे पर। परमात्मा कहते हैं यहाँ तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ, सारे राज समझा रहा हूँ कि दुनिया चलती कितनी है, 5,000 वर्ष का सिर्फ साइकिल है, वो तुम अगर समझो, उसको सोचो तुम, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे चेहरे पर भी चमक आएगी, समझ आएगा कि अरे परमात्मा आ गया मुझे मेरे भक्ति का फल देने के लिए, मैंने कई जन्मों तक भक्ति करी लेकिन मैं फिर भी मुक्ति में नहीं गई, तो अब फाइनली उस भक्ति का मेरे को फल मिल रहा है, अब मैं इस जन्म के बाद में मुक्ति में जाऊंगा आत्मा। तो कितनी अच्छी खुशी की बात है, तो कितनी चमक होनी चाहिए हमारे चेहरे पर। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे, किसको दिखाई दे, अपने आप को भी और औरों को भी। ये सब कुछ आप परमात्मा पिता से ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं, और परमात्मा ये चमक देने के लिए, अपनी ही रूहानियत, अपनी ही चमक देने के लिए हमें देने के लिए आए हुए हैं। ओम शांति इसके साथ।